अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पेगेटी विद मेथ सॉस। इसके लिए हमें चाहिए एक पाव कीमा, आधा पैकेट स्पेगेटी, तेल हसबे ज़रूरत, पानी हसबे ज़रूरत, टमाटो प्योरी एक कप, बड़े साइज़ की प्याज है उसको भी मैंने चॉप कर लिए, दो टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च वो भी दो टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया दो टेबल स्पून, नमक हसबे ज़रूरत, लहसुन एक बड़ा जवा, और मक्खन है वो भी 1 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्चें वो भी 1 टीस्पून, और ओरिगानो जो है वो हसबे ज़रूरत। अब मैं इसमें मक्खन शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बारीक चॉप किया हुआ लहसुन है, ये भी मैं सारा इसमें शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी ताकि ये खुश्क ना हो जाए, क्योंकि मक्खन जल्दी से सूख जाता है। थोड़ा सा ऑयल मैं इसलिए डाल रही हूँ। अब ये थोड़ा सा ब्राउन करो। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे हल्का सुनहरी होने तक, गोल्डन ब्राउन करेंगे बस इसको। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें टमाटो प्योरी डाल रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च ये भी सारी शामिल कर दूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून ये भी सारी शामिल कर दूंगी। पिसा हुआ धनिया ये भी सारा शामिल कर लूंगी। इसको थोड़ा भूनेंगे। ये नमक मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इस मसाले को थोड़ा 2 मिनट तक बस भूनने देंगे। ये मसाला हमारा थोड़ा रेडी हो गया। अब मैं इसमें कीमा शामिल करूँगी। ये देखिए मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, बस आधा कप जितना, बहुत ज़्यादा नहीं करना। अब इसको मैं सिर्फ 5 मिनट पकने दूँगी, बस दरमियानी आँच पर। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मीट सॉस रेडी है। देखो कितना अच्छी तरह पक गया है, इसका तेल भी ऊपर आ गया। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये व्यूअर्स देखिए, हमारी स्पेगेटी पहले से मैंने उबाल ली थी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लिया था और इसके बाद तेल शामिल कर दिया था थोड़ा सा। इसमें मैं थोड़ी टीस्पून काली मिर्च शामिल कर रही हूँ और मैं स्पेगेटी के ऊपर डाल रही हूँ। ये मैंने ऊपर डाल दिया। इसके बाद थोड़ा सा मैं ओरिगानो इसके ऊपर डाल रही हूँ और ये गार्निशिंग के लिए मैं चाइनीज पार्सले डाल रही हूँ। अगर अवेलेबल ना हो तो आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा स्पेगेटी विद मेथ सॉस तैयार है। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। आई होप कि आज की आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।